गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में हमने काफ़ी रूल्स पढ़ लिए थे और आज एक रूल बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही क्या है तो विशेष रूल है, हमें उसके बारे में देखना है और उसके बाद फिर हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो रूल क्या है उसको देखिए। कोई रूल है, नरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक। क्या है नरेशन? हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं मतलब कथन, ठीक। नरेशन के बारे में चर्चा हो रही है। अब देखिए यहां पर रूल क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या हो जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्रोवर्ब मीन्स क्या होता है, कहावत, क्या आ जाए, प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल क्या हो जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, क्या आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट या क्या आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट, या हिस्टोरिकल फैक्ट, या हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो क्या करेंगे, यदि हो तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाए, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी, में होते हुए भी, होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बात समझ में आई? लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आ जाए क्या प्रोवर्ब मतलब कोई कहावत आ जाए, क्या आ जाए, कोई कहावत आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो सार्वभौमिक सत्य है, ठीक, जो सत्य कभी बदला नहीं जा सकता वो है, हैबिचुअल फैक्ट मतलब आदतें हों, जैसे कुत्ते की आदत क्या है, किसी भी विचित्र व्यक्ति को देखे तो भौंकने की आदत है ना, ऐसी आदत की बात। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब कोई ऐतिहासिक फैक्ट आ जाए तो उसके बारे में आ जाए तो वहां पर क्या होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तब भी
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गई। बाकी और हर स्थिति में होगा, लेकिन अगर ये सब चीजें आ गई, प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट, तब रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे डायरेक्ट नरेशन में देख लेते हैं, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक, क्या है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी नेसेसिटी, क्या है, नेसेसिटी इज, क्या है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब सोचिए, आवश्यकता आविष्कार की क्या है, जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये कहावत भी हो सकती है कि लोग बोला जाता है कि आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। तो अब यहां पर इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में देख लेते हैं, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, यहां पर तो सेट टू को बदलेंगे ही ना, ही टोल्ड मी, फिर दैट से जोड़ देंगे, ही टोल्ड मी दैट, क्या हो जाएगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ही टोल्ड मी दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। देख रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके टेंस में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल परिवर्तन यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, तो ये चीज ध्यान देने की जरूरत होती है यहां पर, और कंपटीशन एग्जाम में तो आता ही आता है, कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, ठीक, चाहे यूपी पुलिस का हो, कहीं पर भी हो, जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है वहां पर ये आता ही आता है। अब देखिए अगला देख लेते हैं, एक और द मदर सेड, सॉरी द टीचर सेड, द टीचर सेड डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कहने का मतलब क्या है, कुत्ते अजनबी को देखकर क्या करते हैं, भौंकते हैं, या कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, है ना, तो ये क्या है, कुत्ते का क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है ना, तो यहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल यहां पर सेट को टोल्ड में और डाल इन उसके इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर केवल दैट का प्रयोग कर देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड, द टीचर टोल्ड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, द टीचर टोल्ड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। बात समझ में आई, देख रहे हैं टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
तो इस तरीके से आपका ये रूल क्या हुआ, समाप्त हुआ, ये रूल क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब देखिए, अब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ना क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बात समझ में आ गई, तो वहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसे द सेंट सेड टू द मैन, है ना, मैन इज मोर्टल, है ना, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कि मतलब मानव मरणशील है, मतलब संत ने कहा कि मानव मरणशील है, तो ये भी क्या है, मैन इज मोर्टल, तो वहां पर भी ये हैबिचुअल फैक्ट, सॉरी यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे सेंटेंस मिल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी, इंपरेटिव सेंटेंस की, किसकी बात करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस की। नरेशन में है, इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो आपको पहले ही बताया गया था, इंपरेटिव सेंटेंस तीन प्रकार से बनते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो यहां पर सबसे पहले हम ऑर्डर देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑर्डर मतलब आदेश, क्या देखेंगे, ऑर्डर आदेश। ठीक, आदेशात्मक वाक्य इसको भी बोला जाता है। तो देखिए, अब यहां पर क्या है, ऑर्डर में कैसे होगा, इसका एक रूल देख लेते हैं, इसका मतलब जो बनाने का तरीका है, बदलने का जो नियम है, उसको देख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे यहां पर, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या, ऑर्डर्ड या कमांडेड, ऑर्डर्ड या कमांडेड, ठीक, का प्रयोग करके, का प्रयोग करके, क्या कहते हैं, ऑर्डर या कमांडेड का प्रयोग करके, टू से, क्या करते हैं, टू से वाक्यों को जोड़ देते हैं। बात समझ में आई, यहां पर अगर ऑर्डर का भाव रहेगा, ऑर्डर रहेगा, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में सेड या सेड टू के स्थान पर या तो ऑर्डर लगा देंगे या तो कमांडेड लगा देंगे। ठीक, या तो ऑर्डर या तो कमांडेड, दोनों सही रहेगा। बात समझ में आ रही, लेकिन जब सेना या किसी अधिकारी के द्वारा क्या किया जाए, खासकर सेना की जब बात आएगी, जब वहां पर आदेश दिया जाएगा, तो वहां पर कमांडेड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो अधिकतर हम ऑर्डर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में है, क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, क्या है, ही सेड टू मी, ओपन द विंडो, ओपन द, ओपन द विंडो, ठीक, ही सेड टू मी, ओपन द विंडो। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में,
आपने लिखा कि सेट या सेट टू के स्थान पर क्या करेंगे, ऑर्डर्ड या कमांडेड, तो क्या करेंगे ऑर्डर्ड का प्रयोग। ही ऑर्डर्ड मी, ठीक। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, वही लिखा है कि टू से वाक्यों को जोड़ते हैं, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ देंगे और बाकी इसको पूरा ऐसे ही लिख देंगे जैसे का लिखा है वैसे ही, ठीक। ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। अब बात समझ में आई, मतलब सेट टू के स्थान पर हमने ऑर्डर का प्रयोग किया और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग कर दिया। बात समझ में आ गई, और बाकी आपका रिपोर्टेड स्पीच सेम वैसे ही रहेगा। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। द मैन सेड, द मैन सेड bring a क्या है, bring a religious book for me। The man said, bring a religious book for me। मतलब आदमी ने कहा, क्या कहा, मेरे लिए क्या लाओ, मेरे लिए धार्मिक पुस्तक लाओ, ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखिए द मैन क्या हो जाएगा, ordered, द मैन ordered टू bring a religious book for। अब देखिए me आया है, first person का है, me आया है तो first person का है, तो निश्चित तौर पर इसमें तो परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, subject के अनुसार man, तो man का objective case क्या होगा, him होगा, ठीक। मैन का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, तो क्या हो गया, द मैन ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ रिलीजियस बुक फॉर ए हिम। अब बात समझ में आ गई, तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर्ड का सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होगा, ऑर्डर्ड का सेंटेंस ऐसे ही कंप्लीट होगा, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक। अब बात समझ में आ गई, केवल क्या है, सेट टू सेट या सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या कमांडेड का प्रयोग कर देना है और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग कर देना है, बाकी जो प्रोनाउन परिवर्तन है वो तो होगा ही होगा, बस इरेज कर दे इसको। चलिए अगला देखते हैं, एडवाइस। अगला क्या करेंगे, एडवाइस को भी देख लेते हैं। एडवाइस में क्या है, एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइस का प्रयोग कर देंगे, ठीक। ऐसे लिख देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में एडवाइस का भाव आने पर सेड या सेड टू के सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड, क्या करेंगे, एडवाइज्ड का
प्रयोग करके टू से वाक्यों को जोड़ देते हैं। क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में एडवाइस का अभाव आने पर सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइस का प्रयोग कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहां पर तो आपने सी लिखा है लेकिन यहां पर आपने एस क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूं जब यहां पर सी रहेगा तो इसका केवल मतलब होता है सलाह, और अगर आप यहां पर ए डी वी आई एस ई लिख देते तो हो जाता सलाह देना। बात समझ में आ रही है, तब हो जाता, तब वो बन जाती क्रिया। अब बात समझ में आई, तो यहां पर इसीलिए हमने यहां पर एडवाइज किया है, इसीलिए यहां पर वी आई एस लिखा है, सी नहीं लिखा। ठीक, तो यहां पर आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि गलत हो गया है। जैसे आ जाए डायरेक्ट स्पीच में आ जाए ही सेड, सी सेड टू हिम, क्या है सी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, सी सेड टू हिम स्पीक द ट्रूथ। अब इनडायरेक्ट में सी एडवाइज्ड, सी एडवाइज्ड हिम, टू से जोड़ देंगे हो जाएगा क्या स्पीक द ट्रूथ, है कुछ नहीं, केवल वहां पर ऑर्डर था तो ऑर्डर का प्रयोग, यहां एडवाइस था एडवाइज का प्रयोग, और टू से जोड़ने वाला तो काम रहेगा ही रहेगा। ठीक, जैसे एक और देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं, द मदर सेड ऑलवेज हेल्प द नीडी, मतलब जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करो, ऑलवेज टू हेल्प कर लेते हैं, ऑलवेज टू हेल्प द नीडी। बात समझ में आई, तो अब इसको क्या करेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो क्या होगा, द मदर एडवाइज्ड टू ऑलवेज टू हेल्प द नीडी। अब बात समझ में आई, तो इस तरीके से आपका ये एडवाइस का विभाव, इस तरीके से आपका एडवाइस का भाव क्या हुआ, हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, रिक्वेस्ट, क्या आएगा रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट वाला भी सेंटेंस हम देख लेते हैं, रिक्वेस्ट का भी सेंटेंस देख लेते हैं, इसको इरेज करें, आपको समझ में आया होगा, जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, अभी बहुत सारे बच्चे क्या हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं, जो बच्चे साथ में चल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पीछे हैं वो भी चिंता ना करें, वो भी धीरे धीरे लगे रहें, क्योंकि जब रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अगर छलांग लगा के आगे आना चाहेंगे तो अगर पीछे का छोड़कर तब आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो इसलिए आप लोग भी धीरे धीरे ही आगे आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या है, हम रिक्वेस्ट देख लेते हैं,
ठीक है, क्या है? रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट में क्या है? मतलब आग्रह। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है? आग्रह। अब इसमें क्या होगा वो देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट का, इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट का भाव आने पर सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके टू से वाक्यों को जोड़ते हैं और रिक्वेस्ट का भाव और रिक्वेस्ट का भाव दिखाने वाले और रिक्वेस्ट का भाव दिखाने वाले शब्दों को हटा देते हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट का भाव आने पर सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके टू से वाक्यों को जोड़ते हैं और रिक्वेस्ट का भाव दिखाने वाले शब्दों को हटा देते हैं। कहने का मतलब जैसे सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, ये सब शब्द आएंगे, इनको क्या करेंगे हम हटा देते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में हो जाए, डायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाए कि आई सेड टू द टीचर प्लीज लीव मी नाउ। ठीक, प्लीज लीव मी नाउ। अब देखिए इनडायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड द टीचर, टू से जोड़ना है, टू प्लीज हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लीव, प्लीज हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लीव। अब देखिए मी ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आप फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही चेंज होगा, तो वहां पर भी आई है तो इसका मतलब मी क्या होगा, जब आई के अनुसार बदलेगा तब भी मी ही रहेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, मी। ठीक, आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू लीव मी। अब नाउ को किस में बदलेंगे, याद है आपको याद है, नहीं याद किए होंगे तो कॉपी पलट के जरूर देखिए ताकि याद रहे, ठीक, क्योंकि एग्जाम में आपको कॉपी नहीं मिलेगी। तो नाउ का क्या होता है, देन, मैंने आपको बताया था, तो आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू लीव मी देन। अब बात समझ में आई, एक और देख लेते हैं, ठीक, एक क्या करते हैं और देख लेते हैं, डायरेक्ट में ही
समझने का अच्छे से प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक, ही सेड टू द मैन, क्या है, ही सेड टू द मैन, ही सेड टू द मैन। काइंडली से शुरू कर देते हैं, काइंडली सो मीन्स क्या होता है, दिखाना। सो मी योर लेटर, ही सेड टू द मैन काइंडली सो मी योर लेटर। अब बात समझ में आई, ही सेड टू द मैन काइंडली सो मी योर लेटर। अब बात समझ में आई। अब देखिए इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसका जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड द मैन टू, काइंडली को हटा देंगे, सो मी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, काइंडली सो हिम, ही का हिम, योर मैन के अनुसार, हिम हिज लेटर। ठीक, सही है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे हिम और हिज कैसे साथ में, है ना, क्या करें, परिवर्तन है वहां पर हुआ है। ठीक, तो वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अभी इसका इंपरेटिव प्लस निगेटिव बचा है, कहने का मतलब अभी आपको दो वीडियो और मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, उसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कंप्लीट होगा। और मैं कह सकता हूँ कि ट्यूसडे या वेडनेसडे से आपका पार्ट ऑफ स्पीच शुरू हो जाएगा। ठीक, आपका पार्ट ऑफ स्पीच शुरू हो जाएगा कब से, वेडनेसडे से। ठीक, अभी आपको दो वीडियो और मिलेंगे यहाँ पर, और वेडनेसडे से आपका पार्ट ऑफ स्पीच शुरू हो जाएगा। ठीक, फिर वहाँ पर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या था, ये एक साइड का बोल सकते हैं था पार्ट ऑफ स्पीच, इसके बाद हम शुरू करेंगे। तो होमवर्क के भी रूप में आप लोग लिखेंगे, चलिए लिखिएगा। द बॉय सेड टू द लिटिल चाइल्ड, द बॉय सेड टू द लिटिल चाइल्ड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, द बॉय सेड टू द लिटिल चाइल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, फिर आगे माई फादर सेड टू माई मदर, माई फादर सेड टू माई मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मेक अ कप ऑफ टी, मेक अ कप ऑफ टी। ठीक, आगे लिखेंगे द जज सेड, द जज सेड, कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस। ठीक, फिर आगे लिखेंगे माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, ये हो गया। और लिखिए, और लिखेंगे द शॉपकीपर सेड, द शॉपकीपर सेड, डज डज द पुलिस रियली नॉट नो
हु द रफियन, रफियन की स्पेलिंग क्या होती है, RUFFIAN, ठीक, रफियन हैज थ्रीटेंड, क्या है थ्रीटेंड, ये क्या है थ्रीटेंड, बात समझ में आई। तो क्या है, द शॉपकीपर सेड डज द पुलिस रियली नॉट नो हु इज द रफियन हैज थ्रीटेंड, ठीक। एक और लिखेंगे, ए सेड टू बी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू ऑलवेज डू योर वर्क टाइमली, ठीक। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक, और जो भी कमियां होगी उसको हम यहां से सुधारने का प्रयास करेंगे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक।